मेसोपोटामिया मूल रूप से दो शब्दों से मिलकर बना है, मेसो और पोटामिया। मेसो का अर्थ है मध्य यानी बीच में, और पोटामिया का अर्थ है नदी, अर्थात दो नदियों के बीच के क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहा जाता था। पश्चिमी एशिया में फारस की खाड़ी के उत्तर में स्थित वर्तमान इराक को प्राचीन समय में मेसोपोटामिया कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नाम की दो नदियों के मध्य क्षेत्र में जन्मी, पली और विकसित हुई। इन नदियों के मुहाने पर सुमेरियन, बीच में बेबीलोनिया तथा उत्तर में असीरिया सभ्यता का विकास हुआ। इन सभ्यताओं के विषय में यह कहावत प्रचलित है, सुमेरिया ने सभ्यता को जन्म दिया, बेबीलोनिया ने उसे उत्पत्ति के चरम शिखर तक पहुंचाया और असीरिया ने उसे आत्मसात किया। दूसरे शब्दों में सुमेरिया, बेबीलोनिया और असीरिया, इन तीनों सभ्यताओं के सम्मिलन से जो सभ्यता विकसित हुई उसे मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा गया। मेसोपोटामिया में चार प्रसिद्ध सभ्यताएं हुई, सुमेरिया, बेबीलोन, असीरिया और कैलरिया। ईसा पूर्व चौथी सदी से करीब 3000 सालों तक मेसोपोटामिया की सभ्यता के सबूत मिलते हैं। ईसा पूर्व पहली सदी आते आते वहां बेबीलोन और निनवे जैसे कई शहर बस चुके थे। आज जहां इराक और सीरिया जैसे देश स्थित हैं, उसी धरती पर कभी मेसोपोटामिया सभ्यता हुआ करती थी। वो प्राचीन सभ्यता उत्तरी असीरिया और दक्षिणी बेबीलोनिया में विभाजित थी और इसे निचले स्तर पर भी कई प्रांतों में बांटा गया था। ईसा पूर्व तीसरी सदी से इन छोटे इलाकों को मिलाकर एक साम्राज्य के रूप में साथ मिलाया गया। कृषि करने वाले ये पहले लोग थे। संग्रहकर्ता से शिकारी और फिर किसान और पशुपालक बनने तक का सफर ऐतिहासिक था। इस सभ्यता में इंसान के खेती करने और पशुओं को पालने के पहले साक्ष्य मिलते हैं। उस समय सिंचाई के लिए व्यवस्था भी विकसित की गई और पशुओं के दूध से कई तरह के उत्पाद भी बनने शुरू हुए। प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यताएं आर्किटेक्चर के मामले में भी बहुत ही उन्नत थीं। उस समय के शासकों ने बहुत ही शानदार और विशाल इमारतों का निर्माण करवाया था, जिनमें से बहुत सी इमारतों का प्रयोग ये पूजा स्थल के रूप में करते थे और बहुत सी इमारतों को बड़े बड़े बागीचों के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। इसके अलावा इस सभ्यता को गणित के क्षेत्र में भी काफी महारत हासिल थी। बाद में बेबीलोनियंस ने ही बेस 60 सिस्टम दिया, जिसमें एक मिनट में 60 सेकंड, एक घंटे में 60 मिनट और एक सर्कल में 360 डिग्री होते हैं। बेबीलोनियंस को ग्रह नक्षत्र विज्ञान का बहुत ही गहरा ज्ञान था। अपने गणितीय ज्ञान का प्रयोग करके ही उन्होंने एक साल में 12 महीने के सिस्टम की नींव रखी। इसके अलावा एक हफ्ते में 7 दिनों की प्रणाली भी इन्होंने ही प्रारंभ की थी। प्राचीन मेसोपोटामिया में शिक्षा की प्रणाली भी बहुत विकसित थी। उन्होंने लिखने पढ़ने के लिए एक लिपि प्रणाली का भी विकास किया। इस लेखन प्रणाली को क्यूनिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। उस समय लिखने के लिए मिट्टी के टुकड़ों का प्रयोग किया जाता था, जिन पर यह लिपि उकेरी जाती थी। इस सभ्यता के लोग आस्तिक थे और कई सारे देवताओं को मानते थे। देवताओं की श्रेणियां भी थीं। सबसे बड़े देवता को उससे छोटे देवता पूजा करते थे। इस श्रेणी में सबसे अंत में आता था मानव, जिसे सबको पूजना होता था और सबकी आज्ञा का पालन भी करना होता था। इस सभ्यता में जीवन और धर्म गहराई से जुड़े थे। अंततः सिकंदर महान ने 331 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया की सभ्यता को नष्ट कर दिया और वहां ग्रीक संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। इसी के साथ मेसोपोटामिया की परंपराएं और जीवन दर्शन लुप्त हो गए। इस ऐतिहासिक सभ्यता के अवशेषों को हजारों साल बाद खोदकर फिर से निकाला गया और इसके अवशेषों को ल्यूव्र म्यूजियम में सहेज कर रखा गया है। सुमेरिया की सभ्यता। 18वीं शताब्दी तक संसार इस महान मानव सभ्यता के ज्ञान से बहुत दूर था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इंग्लैंड व फ्रांस के पुरातत्वविदों ने इस सभ्यता को खोज निकालने में सफलता प्राप्त की। 1850 ईस्वी में अंग्रेजी पुरातत्वविद रॉलिंसन ने बेहिस्तून के पास एक ऊंचे टीले पर ईरानी शासक डेरियस द्वारा उत्कीर्ण कराया गया एक शिलालेख खोज निकाला। इस शिलालेख पर फारसी और बेबीलोनियन भाषा का मिश्रण अंकित था। और अधिक प्रयास के बाद रॉलिंसन ने इसे पढ़ने में सफलता प्राप्त की और परिणाम स्वरूप मेसोपोटामिया सभ्यता का राज पूरी दुनिया के सामने खुल चुका था। सन 1901 में सूसा में एक दूसरा शिलालेख प्राप्त हुआ। यह शिलालेख एक काले पत्थर पर उकेरा गया था। इस पर बेबीलोनिया की भाषा में एक कानूनी संहिता लिपिबद्ध थी। 19वीं सदी के आरंभ में ही सर लियोनार्ड वूली ने ईरान के अति प्राचीन नगर उर के उत्खनन द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त किए। इस नगर की खुदाई में मिट्टी की तख्तियां, इमारतों के खंडहर, विभिन्न कलात्मक वस्तुएं
तथा शासकों की समाधियां आदि प्राप्त हुईं। खुदाई के दौरान प्राप्त विभिन्न वस्तुओं तथा शिलालेखों को पढ़ने के बाद मेसोपोटामिया की महान सभ्यता पूरी दुनिया के सामने आ गई थी। सुमेरियन सभ्यता के जनक कौन थे, ये प्रश्न एक विवाद का विषय है। इस सभ्यता के मूल निवासियों के संबंध में ठोस प्रमाणों का अभाव रहा है, इसीलिए इस विषय को लेकर विद्वानों में मतभेद बना हुआ है। कुछ विद्वानों का मानना है कि सुमेरिया के मूल निवासी मंगोल अथवा द्रविड़ रहे होंगे, तो कुछ विद्वानों का मत है कि सुमेरियन सभ्यता में आर्य और द्रविड़ सभ्यताओं के तत्वों का समावेश है। इसके अलावा कुछ इतिहासकारों के अनुसार भूमध्य सागरीय लोग सुमेरिया सभ्यता के जनक थे, लेकिन डॉक्टर कीथ का मत है कि सिंधु और सुमेरियन दोनों सभ्यताओं में पर्याप्त समानता प्रतीत होती है, इसीलिए यह सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के ज्यादा नजदीक मानी जाती है। सुमेरियन समाज मुख्यतया तीन वर्गों में विभाजित था, प्रथम उच्च वर्ग, दूसरा मध्यम वर्ग और तीसरा निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में राजा, शासक, पुरोहित व राज्य के बड़े अधिकारी सम्मिलित थे, इन्हें समाज में सर्वाधिक सम्मान प्राप्त था। मध्य वर्ग में बड़े कृषक, व्यापारी आदि थे। तृतीय वर्ग में दास, श्रमिक और छोटे किसान होते थे। सुमेरियन समाज में दास प्रथा का प्रचलन था। उस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, उन्हें अपनी संपत्ति रखने का अधिकार था, वे स्वतंत्र व्यवसाय भी कर सकती थीं। समाज में स्त्रियों का सम्मान होता था। सुमेरियन समाज में प्राय लोग एक ही विवाह करते थे, पर बहुत ही उच्च वर्गीय लोग बहुविवाह भी कर लेते थे। सुमेरियन खान पान व रहन सहन उच्च कोटि का था। वे ऊनी तथा सूती वस्त्रों का प्रयोग करते थे, पक्के मकानों में रहते थे। स्वच्छता और पवित्रता उनके जीवन के प्रमुख अंग थे। कंगन, गले का हार, अंगूठी, कर्णफूल उनके प्रमुख आभूषण थे। गेहूं, जौ और खजूर इनके प्रिय खाद्य पदार्थ थे। इसके अलावा इस सभ्यता में दहेज प्रथा का भी प्रचलन था। सुमेरियन सभ्यता की काल अवधि निर्धारण के ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है, फिर भी अधिकांश विद्वान 4500 ईसा पूर्व से लेकर 2550 ईसा पूर्व के समय को ही इस सभ्यता की अवधि मानते हैं। लगभग 3500 ईसा पूर्व तक सुमेरिया में केंद्रीय शासन स्थापित हो गया था। उरुक, किश, निपुर, लगाश, उम्मा आदि इस सभ्यता के प्रमुख नगर थे। 2600 ईसा पूर्व के बाद शासकों की शक्ति क्षीण होने लगी थी। सुमेरिया की सभ्यता में शासन धर्म पर आधारित था और राजा को ईश्वर का प्रतीक माना जाता था। सुमेरियन शासकों की कमजोरी का लाभ उठाकर समेटिक जाति की घुमंतु जीवन जीने वाली एक शाखा ने आक्रमण कर संपूर्ण सुमेरिया पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। सार्गो प्रथम इस वंश का शक्तिशाली शासक था। इसके काल में सुमेरियन साम्राज्य फारस की खाड़ी से लेकर भूमध्य सागर के मध्य तक फैल गया था। कालांतर में 200 वर्षों बाद इस वंश का पतन हो गया। खुदाई में प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि राजा एक विशाल महल में रहता था और कई अधिकारियों, कर्मचारियों तथा पुरोहितों की सहायता से राजकीय कार्यों व शासन संबंधी कार्यों का संचालन करता था। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में सुमेरिया में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली स्थापित थी। उस समय प्रत्येक नगर में समय समय पर जनसभा होती थी और राज्य का प्रत्येक वयस्क नागरिक इसका सदस्य होता था। इस जनसभा द्वारा ही शासन के कार्य संचालित होते थे, पर 3000 ईसा पूर्व के लगभग सुमेरिया में राजतंत्रीय शासन प्रणाली की स्थापना हुई। राजा राज्य का प्रमुख होता था, उसका आदेश अंतिम होता था। सुमेरिया में कानूनों का पालन बहुत ही सख्ती से किया जाता था। यहां दो प्रकार के न्याय प्रणाली की व्यवस्था थी, पहला धार्मिक न्यायालय जिसमें पुरोहित निर्णय लिया करता था, दूसरा राजकीय न्यायालय जिसमें राजा प्रमुख न्यायाधीश होता था। प्रशासनिक कठोरता के कारण समाज में पूर्णतया शांति स्थापित थी। मुकदमों की सुनवाई का रिकॉर्ड लिखित रूप में रखा जाता था। इनमें से बहुत से रिकॉर्ड मिट्टी की तख्तियों पर अंकित थे जो खुदाई के दौरान प्राप्त हुए। उर, एंगर तथा डोंगी आदि शासकों ने कानूनी संहिता का निर्माण भी कराया था। इस सभ्यता में परिवार, व्यापार तथा सामाजिक जीवन से संबंधित कानून भी बनाए गए थे। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।